नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल पे आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बायोलॉजी का जो शॉर्ट नोट है मोस्ट बीबीआई फाइव क्वेश्चन यहाँ पे हम कवर करेंगे और जो कि सी बी एस ई बायोलॉजी और स्टेट बोर्ड बायोलॉजी एग्जामिनेशन फाइनल एग्जामिनेशन 2024 के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है और इस पांच क्वेश्चंस में से हमारे जो दो क्वेश्चन है वो स्योरली आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे यानी कि आप पांच क्वेश्चन यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे जिसमें से दो क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम 2024 हजार बायोलॉजी और स्टेट बोर्ड बायोलॉजी एग्जाम में बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड या फिर अदर स्टेट किसी भी बोर्ड एग्जाम में आपके आने वाले हैं तो ये जो पिछले दस सालों के पेपर का निष्कर्ष है निचोड़ है और यहाँ से प्रत्येक साल प्रश्न आते हैं वैसे ही टॉपिक्स की हम श्रृंखला अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पांच क्वेश्चन जिसमें से दो क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है पहला क्वेश्चन है हमारा जीएमओ जेनेटिकली मोडिफाइड ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मोडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि जनरली ये अदर ऑर्गेनिज्म से बैक्टीरिया से प्लांट से एनिमल से वायरसेस से किसी ऑर्गेनिज्म का डीएनए लेकर के वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में दूसरे प्लांट में दूसरे एनिमल में इंजेक्ट किया जाता है और उससे डिफरेंट प्रोडक्ट प्रिपेयर किया जाता है तो जीएमओ एम फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इज ए प्लांट एनिमल और माइक्रोब इन विच वन और मोर चेंजेज हैव बीन मेड टू द जीनोम टिपिकली यूजिंग हाईटेक टेक जीनेटिक इंजीनियरिंग इन एन अटेम्प्ट टू अल्टर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम तो उस पार्टिकुलर ऑर्गेनिजम के जीनोम में जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से चेंज किया जाता है उनके करेक्टरिस्टिक्स को तो इस पूरे टेक्निक को जी एम ओ जीनेटिकली मोडिफाइड कहते हैं यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी तक चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके उनकी भी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके चलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कैन बी डिफाइंड एज एन एग्रीकल्चरल प्रोसेस डेट यूजेज बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्ट कंट्रोल एक्वायर्ड फ्रॉम एनिमल और प्लांट वेस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग वाज एक्चुअली इनिशिएटेड एज एन एंसर टू द इनवामेंटल सफरिंग कॉज्ड बाय द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स तो ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें क्या होता है कि एग्रीकल्चर प्रोसेस को चेंज किया गया है बायोलॉजिकली और इन्वायरमेंटली फेवर या फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है जिसमें कंट्रोल किया गया है एक्वायर्ड फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट वेस्ट एनिमल और प्लांट वेस्ट का जो प्रोडक्ट है उसको फर्टिलाइजर्स और पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है और ये जो है इन्वामेंट को जो केमिकल पेस्टिसाइड्स है सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स है उनसे बचाने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाता है जिसमें हम लोग एनिमल और प्लांट वेस्ट को फर्टिलाइजर के रूप में पेस्ट कंट्रोल के रूप में यूज करते हैं तो ये हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एमनियोसिंथेसिस ये काफ़ी यूनिक प्रोसीजर है एमनियोसिंथेसिस इज ए प्रोसीजर यूज टू टेक आउट ए स्मॉल सैंपल ऑफ द एमनियोटिक फ्लूड फॉर टेस्टिंग दिस इज द फ्लूड डेट सराउंड इन ए प्रेगनेंट व्यक्ति क्लियर फ्लूड डेट प्रोटेक्ट द फीटस फ्रॉम इंजरी प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंफेक्शन ये जो एमनियोसिंथेसिस है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इंजेक्शन से यहां से एमनियोटिक फ्लूड लिया जाता है तो ये एमनियोटिक फ्लूड काफ़ी रेयर सिचुएशन में लिया जाता है ईजिली हर किसी पेशेंट पे ऐसा नहीं करते हैं ये इसलिए किया जाता है कि बच्चा जो अंदर पल रहा है फिटस उसको कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी तो नहीं है कोई बीमारी तो नहीं है जेनेटिक या फिर कोई और अपंगता तो नहीं है इन सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए जो है एमनियोटिक एमनियोसिंथेसिस प्रोसेस यूज किया जाता है ये मेडिकल साइंस का बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसीजर में से एक है और इसमें काफ़ी एक्सपर्टाइज की आवश्यकता होती है एमनियोसिंथे एमनियोटिक फ्लूड क्या होता है कि वो बच्चे को जर्क से बचाता है जब डिलीवरी होता है तो जिस समय वो पानी टाइप का जो आप देखते हैं या देखा होगा किसी ने तो डेट वाज एमनियोटिक फ्लूड वो एमनियोटिक फ्लूड ही होता है जो बेबी के डिलीवरी के वक्त वो रप्चर होता है एमनियोटिक लेयर और वो बाहर निकल जाता है तो ये प्रोटेक्शन के सॉक ऑब्जर्वर के तौर पे काम करता है एमनियोटिक फ्लूड तो ये एक प्रोसेस है जिसमें स्मॉल सैंपल लिया जाता है एमनियोटिक फ्लूड का टेस्टिंग परपज़ के लिए और ये क्या करता है प्रेगनेंट वोमन में फीटस के चारों तरफ फीटस के चारों तरफ रहता है और ये क्या होता है क्लियर पेल येलो कलर का होता है और ये प्रोटेक्ट करता है इंजरी से और इन्फेक्शन तो ये एम सिंथेसिस क्लियर हो गया अब हमारा नेक्स्ट है रेड डाटा बुक रेड डाटा बुक क्या है नाम से ही क्लियर है एक प्रकार का किताब है जो आई के द्वारा जारी किया जाता है द आई यू सी एन इनवर्ट्रेबरेट रेड डाटा बुक इस तरीके से वो रेड डाटा बुक जारी करते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर तो ए रेड डाटा बुक रेड डाटा इज ए डॉक्यूमेंट डेट ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द दीज ऑफ एनिमल्स प्लांट्स एंड कंट्री और ए स्टेट तो किसी पार्टिकुलर एरिया में किसी कंट्री में किसी स्टेट में जितने भी इंडेंजर्ड स्पेसीज हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है तो इस बुक का नाम है रेड डाटा बुक तो इसका नाम है रेड डाटा बुक तो ये इसमें क्या है इंडेंजर्ड स्पेसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है इंडेंजर्ड कौन से प्लांट एनिमल एंड फंगी इन ए कंट्री और स्टेट। इसी प्रकार का बुक होता है जिसमें ये रिकॉर्ड रखा जाता है तो इसी का नाम हो गया रेड डाटा बुक इसमें तो कुछ समझना नहीं था ये किताब है जिसमें रिकॉर्ड रखा जाता है इंडेंजर स्पेसीज एनिमल्स प्लांट्स एंड फंगई का किसी पार्टिकुलर एरिया यानी कंट्री और स्टेट के अंदर हमारा नेक्स्ट है यूट्रोफिकेशन यूट्रोफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच ए वाटर बॉडी बिकम्स ओवरली इनिस्ट ओवरली इनिस्ट विथ न्यूट्रिय लीडिंग टू द प्लेंटीफुल ग्रोथ ऑफ सिंपल प्लांट लाइफ तो ये यूट्रीफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा इनरिच हो जाता है ओवरली इनरिच न्यूट्रिएंट्स उसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस और ये फाइटोप्लेंटन्स के ग्रोथ को इंक्रीज करता है अलगल ब्रूम कराता है और जो यहाँ पर सडिमेंटेशन है सनलाइट का और सेड ग्रास फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है अंदर में ऑक्सीजन की खपत होने लगती है डीके होने लगता है अलगल का अलगल डाई के बाद तो ये जो है लॉस कराता है फूड हैबिटेट एंड ऑक्सीजन प्रोडक्शन को लॉस कराता है वो एन्वायमेंट से निकल करके वो वाटर की तरफ चला जाता है तो दिस प्रोसेस इज़ टर्मड एज यूट्रीफिकेशन यूट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच ए वाटर बॉडी बिकम्स ओवरली इनिस्ट With nutrients leading to the plentiful growth of simple plant life. तो ये जो है न्यूट्रिफिकेशन कहलाता है आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हेल्पफुल हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करें जिससे हमें भी पॉजिटिव मोटिवेशन मिले और हम आपकी लिए जो ये वीडियो श्रृंखला है उसको लगातार आपके लिए लाते रहें तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट हम कल फिर पांच नए क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ आप लोगों के पास आएंगे और उसके बाद हम लोग लॉन्ग आंसर की तरफ प्रोसीड करेंगे जब हमारा शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएगा सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंच सके बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू